आज की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर का जिक्र कर लेते हैं, वो है जम्मू कश्मीर के नगरोटा से जुड़ी। यहां सैन्य ठिकाने पर हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले जो तीनों आतंकी थे, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इनके पास से कुछ खास किस्म के खतरनाक केमिकल्स तक मिले हैं। ऐसे केमिकल्स उरी हमले में शामिल आतंकियों के पास भी मिले थे। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये आतंकी केमिकल हमले की फिराक में थे। आतंकियों के पास मिले दस्तावेज से सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का शक है, क्योंकि इनके पास से उर्दू में लिखे जो पर्चे मिले हैं उन पर संसद के हमले का मास्टरमाइंड आतंकी यानी कि अफजल गुरु का जिक्र है। इस पर्चे को जो मिला है उसको पढ़ा गया, उसमें लिखा है कि अफजल गुरु शहीद के इंतकाम के किश्त, गजवा हिंद के फिदाइन। ये कुछ ऐसा सामान है जो यहां से मिला है और अब सैन्य ठिकानों पर लगातार जो है ऑपरेशन जारी है कि इस तरीके के सामान कहां कहां से मिले हैं, जैश ए मोहम्मद से कैसा लिंक है और कहां कहां से मदद मिल रही है। राजू केनी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अभी तक नगरोटा का अपडेट हमारे दर्शकों को बताए, ये भी बता दीजिए कि जो सामान मिले उससे क्या शक जताया जा रहा है। जी, नगरोटा में आज जो है सेना ने जो कल सुबह से ऑपरेशन लॉन्च किया था, आज जो है शाम को जो है ऑपरेशन जो है ये खत्म हो गया और इस ऑपरेशन में जो है सेना को भारी नुकसान हुआ है। 7 जो है सेना के जवान इसमें शहीद हुए, जिसमें 2 ऑफिसर मेजर रैंक के ऑफिसर इसमें 2 शहीद हुए हैं और 5 दूसरे जवान इसमें शहीद हुए हैं। इसके साथ आपको मैं ये बता दूं कि ये ऑपरेशन जो इतना लंबा खींचा उसकी वजह ये भी रही कि यहाँ पे कुछ होस्टेज जो थे, होस्टेज लाइक सिचुएशन बन गई थी क्योंकि फैमिलीज वहां पे रह रही थी, जो आर्मी के जो मेस था जो था उसके पीछे वाले इलाके में, जिनकी जिसकी वजह से जो था ये जो है ऑपरेशन जो है लंबा हुआ और इतनी शहादत जो है सेना को उठानी पड़ी इस सारे उसमें। हालांकि जो मिलिटेंट्स के पास से जो सामान मिला है उसमें ये जो पर्चे मिले हैं, ये दस्तावेज मिले हैं जिसमें जो है गजवाए हिंद जो है एक तंजीम की तरफ से जो कहा गया है, हालांकि ये तंजीम जो है पहली बार इसका नाम जो है ये सुना गया, गजवाए हिंद क्या है इसके बारे में भी जांच होगी तो पता चल पाएगा, लेकिन ये पहली बार सुना गया है। लेकिन जो एक की उसमें जो है जो पार्लियामेंट पे जो संसद पे हमले का जो आरोपी जिसको अफजल गुरु जिसको फांसी दी गई थी उसके इस तरीके का ये क्लेम करना और इस तरीके से बिल्कुल कई लिटरेचर मिले जिसमें अफजल गुरु को एक शहीद का दर्जा यहाँ पर दिया गया। राजू मुझे बताइए, क्योंकि थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सिहाग भी वहां पर है, पूरी रेकी कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या वो इस पर बोले कि लगातार सैन्य कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है तो हमारी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है। देखिए, अभी जो थल सेना अध्यक्ष जहाँ पे आए तो उन्होंने जो है अधिकारियों ने उनको बताया, जो सेना के टॉप कमांडर थे उन्होंने उनको सिचुएशन के बारे में बताया और क्या कुछ कार्रवाई जो है की जा रही है, किस तरीके का ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया या इस तरीके का जो अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर मिलिटेंसी है, तो अगर ऐसे अटैक से बचने के क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये ऑपरेशनल लेवल पे जो है उनकी आपस में डिस्कस हुई होंगी जाहिर सी बात है। लेकिन बाहर अभी तक इसका कोई भी जो सेना वो ठीक नहीं रहता, ना ही वो बताएंगे सेना वाले आर्मी वाले इसमें, लेकिन जाहिर सी बात है जो बार बार जो है उड़ी के बाद ये एक बड़ा अटैक होना, तो ये सारे जो है इसके बाद जो है रिव्यू करने की जरूरत भी पड़ गई है और शायद वो रिव्यू भी किया होगा उन्होंने और उसके बाद जो है सेना के जो कैंप है उनकी अतिरिक्त सुरक्षा जो है व्यवस्था जो है मजबूत, बिल्कुल सुरक्षा बढ़ा दी गई। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अफजल गुरु की मौत का बदला लेने की बात है जैश ए मोहम्मद से लेकर और केमिकल हथियारों का ये सबसे पहला और बड़ा इस्तेमाल करने की यहाँ पर बातें हैं। सेना उस दिशा में पड़ताल कर रही है, लेकिन ऐसा इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ था। इसके बाद खाड़ी युद्ध में केमिकल बम की खबरें आई थी। अब आईएसआईएस भी केमिकल हथियारों से दुनिया को डरा रहा है। हथियारों में केमिकल का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आया है। एक दौर वो था जब तीर के सामने जहर लगाकर हमले किए जाते थे, लेकिन इसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसमें क्लोरीन और फॉक्सिन के टिन दुश्मन सैनिकों के सामने फेंक दिए जाते थे। अब 1915 चलते हैं, बेल्जियम में हमला हुआ था, क्लोरीन गैस का सबसे बड़ा यह हमला बताया जाता है, जिसमें 5000 से ज्यादा सैनिकों की सिर्फ 5 मिनट के भीतर मौत हुई थी। इसके बाद से केमिकल हमले में 90,000 सैनिक अभी तक मारे गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के दौरान 1.25 लाख टन से ज्यादा केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इन हथियारों की मारक क्षमता को देखते हुए तमाम देशों ने एक से बढ़कर एक खतरनाक केमिकल हथियारों को जुटाना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब रशिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो एक बार फिर दोनों देशों ने रासायनिक हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया था।